ये देखो सूर्य कहाँ घुसा हुआ है। सूर्य कहाँ घुसा हुआ है? तो कंप्यूटर टेबल के नीचे क्या कर रहा था यहाँ पे? अपनी कार भी यही रखी है उसने, एक कोई क्रीम ले रखी है उसने। ए भाई बाहर आ जा, क्या मजे कर रहा था अंदर? चोट लगवा ली? दिखाइए कहाँ लगवाई चोट तुमने? जब इस जगह घुसेगा चोटें लगेगी तुझे, दिखा मुझे बाहर। ये देखो ग्राउंड उतार रहा है, हटा नहीं यार तू। सूर्य छेड़ मत, ठीक हो जाएगी वैसी, ऐसे ही ठीक हो जाएगी, रहने दे, मत कर। दिखा कहाँ पे चोट, इसे सही करते हैं, इससे ठीक हो जाएगी। चीज लगी हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, इससे हल्की चीज लगती है, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। बस 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 क्या यहाँ पे भी है? इसे भी साफ कर दूँ? इसे भी साफ कर दे, ठीक है। और कहाँ है चोट तेरी? कहाँ पे? ना यहाँ तो, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ पे कोई चोट नहीं है, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे भी कर दूँ? ले क्या, इस पर भी कर दूँ? बस हो गया ना, ठीक है। अब हर जगह थोड़ी होगी, हर जगह लगवा रहा नहीं, और नहीं, बस हो गया, और नहीं लगवाते। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में फुल ऑन एन्जॉयमेंट कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी का कुछ सीन ऐसा है, मैं अपने फ्रेंड हर्ष का वेट कर रहा हूँ, तो वो आता ही होगा 10-15 मिनट के अंदर। तो अभी समय हुआ है 6:15 और उसका ऑफिस 6:30 तक होता है। मेरा थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, स्टेटस कॉल जल्दी ख़त्म हो गई, तो मैं फ्री हो गया। तो अभी जस्ट वेट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, मार्केट के अंदर कुछ फन करते हैं और देखते हैं, कुछ और दोस्तों से मिलते हैं, अपने विपुल के घर जा सकते हैं, और हो सकता है बड़ौत में हम इधर उधर चले जाएँ। तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड स्टे ट्यून गाइस। हाँ क्या क्या? हाँ क्या सूसू कर दी क्या तुमने? तुझे भी यही बैठे सूसू करनी थी, चल जल्दी जा अंदर चेंज करा के अपनी। अच्छा हाँ, तो गाइज मैं कह रहा था, तो मैं थोड़ा फन कर रहा था यहाँ पे बैठ के और सूर्य की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, और इतने में क्या हुआ, सूर्य पास आया और इसने मुझसे मोबाइल छीन लिया, मोबाइल गिरते गिरते बचा। अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पे पकड़ लिया और स्क्रीन वगैरह नहीं फूटी, नहीं तो बहुत मोटा नुकसान हो जाता, भारी नुकसान। बाई गॉड ग्रेस बच गया। तो गाइज गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर हैज़ ऑलरेडी एक्सीडेड 40 डिग्रीज, सो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी मैं बैठा हुआ था और पसीने टप टप हुए जा रहे हैं तब से, और हर्ष काफ़ी टाइम लगा रहा है, मुझे 15 मिनट ऐसे लग रही है जैसे कई साल गुजर गए। तो बहुत, क्योंकि गर्मी की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो वेट करते हैं थोड़ा और, कैफे पे चल के वेट करते हैं, घर पे तो नहीं वेट हो पाएगा। चल दिया क्या प्रदीप भाई? या ब्रो चलो, बस बैग पैक कर दिया, थोड़ा सामान ले रहा होगा भाई, पैसे ही पैसा। चले भाई। अभी हम जा रहे हैं टिक्की खाने, पूरा मार्केट बंद होता जा रहा है, मुझे लग रहा है, अरे हाँ ये यही वाली गली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी बंद ना होगी यार। किधर को है? हाँ यही यही है। चिचा की दुकान कहाँ गई? अरे यार बंद है। नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह से सारी दुकान अब बंद होती जा रही है, तो मुझे लगता है अब ज़्यादा दुकानें खुली मिलेंगी। ये है हमारा पंचवटी मंदिर, इसकी 5 भुजाएं हैं, काफ़ी बड़ा मंदिर है, और ताजुब की बात यह है मैं आज तक इस मंदिर के अंदर नहीं गया, जिस दिन चले गए टाइम निकाल के। और ये है श्री कृष्ण का मंदिर, नहर के पास पड़ता है, ये छोटी नहर है, पंचवटी है कैसा नाम भी। तो अब हम आए हैं पेटीज खाने के लिए, ये लड़का यहाँ पे हमेशा रहता है, यही हमें पेटीज देगा, अब वीडियो बनाने लगेगा तू बाबा। और क्या, तू आएगा अब देखियो कल। अंकल पेटीज खाएगा? नहीं खाएगा। ब्रूनो कहाँ पे है? बुलाओ उसे भी, चल फिर चल रहे रेलवे स्टेशन तो घूमने के लिए, गुप्त अंधेरा आ गया ब्रूनो। चलो रेलवे स्टेशन पे चलते हैं अब ब्रूनो को घुमाने के लिए। हर्ष विपुल और मैं यहाँ पे आए थे रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पे काफ़ी सारे गायें खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन में इनको चारा डलता है, तो सारी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, और उधर मंदिर है पीछे माता का, और इधर यहाँ पे सारे काफ़ी सारे रिक्शा वाले खड़े हुए हैं। ये मेन एंट्री गेट है रेलवे स्टेशन का अपना, ब्रोथ रेलवे स्टेशन। कभी किसी दिन दिन में आएंगे और फिर वीडियो बनाएंगे, अब तो काफ़ी अंधेरा हो गया तो कुछ अच्छा दिख भी नहीं रहा होगा।
I'm still healing. I fight the pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall, ready to face it all again. And I will not fall, I won't lose again. I wanna fly. तो अभी हम जा रहे हैं गन्ने का रस पीने के लिए. रस भी जा रहा है. तीन दे दिए भाई तो थोड़े. तू भी दे यार. क्यों मना कर रहा तू? विपुल. बिल्कुल को घर पे ड्रॉप कर दिया इसके. चलते अपने घर पे. बाय बाय बाय. चलो घर जाके नहा जाएगा. भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे भी नहाना पड़ेगा अब जाके घर पे. सो गाइज, मैं जस्ट अभी वॉशरूम से नहा कर आया था बाहर, और हर्ष मुझे थोड़ी देर पहले छोड़ के गया था घर के बाहर गली में. और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं क्या बताऊँ, पूरा पसीना में तर हो रखा था. और पूरी बड़ौद की लाइट भागी हुई है इस वक्त, अभी भी लाइट गई हुई है, अभी तक आई नहीं है. तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा अच्छा व्लॉग बनाया भी नहीं पाया मार्केट के अंदर. और ऊपर से लॉकडाउन हो गया था 7 बजे के बाद, तो सारी मार्केट वगैरह बंद हो गई थी, तो ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए हम लोग. लेकिन फिर भी जितना हो सका हमने एंजॉय किया. दादी वो कैच दे दे, कैच. ओए तुमने बहुत दूर पक्की बोल. दूसरी चीज़ दे दे, कोई बैल कोई और नहीं है क्या पे? बोल कहाँ है तेरी, बोल कैच दियो. मुझे दे दे, मुझे दे दे. ए अच्छा. ले बोल चाचू. चाचू बोलिए, दोबारा बोलिए. चाचू चाचू तेज बोल. चाचू मैक, मैक को नहला दिया. मैक चल नहाएंगे. चलो गुस्सा हो गया. चल नहाएंगे, चल नहाएंगे. अभी हो गई है बहुत बड़ी दिक्कत, मेरे लैपटॉप का चार्जर जो है गिर के खुल गया, इसके सारे पार्ट वगैरह बिखर गए. तो बस अब ये डाउट हो रहा है मुझे, ख़राब ना हो गया हो. तो ये गिरता रहता था और आज फाइनली ये खुल गया. अब देखते हैं अगर मैं सही कर पाया. सोरिया तूने मेरा चार्जर क्यों तोड़ा? तू गंदा बच्चा है. मेरा चार्जर खोल दे तूने. अब सही कैसे करूँ मैं इसे? तो फाइनली गाइस कुछ हद तक ठीक हो गया, लेकिन खुल रहा है अभी भी, तो इसे चिपकाना पड़ेगा. तो गाइस यहाँ पर चिपकली है एक, और ये रही जाले के उस साइड है, तो इसे थोड़ा परेशान करते हैं. भाग गई. सूर्या अकेला अकेला क्या पी रहा है? मुझे भी दे दे भाई. क्या पी रहा है तू? पानी पी रहा है ठंडा ठंडा, कूल कूल. तो गाइस खाना आ चुका है, राजमा चावल है, दही है, आम है, तो खाते हैं अब. और थोड़े चावल है. सूर्या मुझे भी दे दे यार, पानी पी लूँगा मैं. अच्छा चावल खा रहा है, वाइट वाइट खा ले और खा ले. सो गाइस इट्स नाउ 12:14 एंड आई एम जस्ट कम्प्लीटिंग द एडिटिंग पार्ट, सो इट विल टेक सम मोर टाइम. एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड माय टुडेज व्लॉग, एंड आई विल कंटिन्यू टू शेयर माय डेली हैपनिंग्स विद यू गाइस. And also, if you find my videos anyhow interesting, do like, comment and subscribe to my YouTube channel. And do not forget to share my videos. Till then, I will take a leave. Let's meet in the next vlog. Till then, good night, goodbye. Give up, I'm still healing. I fight the pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall.